हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बड़ा जो इशू है वो क्लियर करने जा रहा हूँ। खासकर काफी लोग ऐसे हैं जो नए हैं, जो अर्निंग करना चाह रहे हैं या कुछ भी वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, तो उन्हें वो पता नहीं है। काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे, अक्सर पूछ रहे थे कि हमने वीडियो एडिट करनी है, हमें करनी नहीं आ रही है, कैसे करेंगे हम। हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया, हम कैसे वीडियो एडिट करेंगे, या हमारे वो जो वीडियो के नीचे ये सामने आपके ये आ रहा है लिखा हुआ कि सब्सक्राइब माई चैनल या इस तरह कुछ भी आ रहा, तो हम कैसे ये लिखें। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट वीडियो की एडिटिंग के लिए है और कहाँ से डाउनलोड करना है और इसका जो रजिस्टर जो की है वो क्या है और इसको हम कैसे एडिट करते हैं, वीडियो कैसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और किस तरह ये वीडियो बनती है, सारा इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कहीं से स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जल्दी से यार लाइक कर दो। इतनी हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, काफी 1-2 घंटे लगते हैं, तो लाइक आपका हमें चाहिए होता है। लाइक लाजमी किया करो, और लाइक के भी कोई पैसे नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे न्यू है, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे बटन जो रेड कलर का शो हो रहा है उसको क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन में क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे टाइम पे। क्या करना है, गूगल में आपने आना है, यहाँ पे आपने लिखना है ROZIGO, रोजी को लिखा, उसके बाद आप करना है ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा जी गो रोजी गो गर्ल लेटेस्ट प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब, आपने इस पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाना है आपने अदर्स, यहाँ पे अदर्स पे आपने क्लिक करना है। ये अगर आपके सामने ये चीज शो नहीं हो रही है, अगर आप सेलफोन भी यूज कर रहे हैं तो ये शो नहीं हो रहा होगा आपके सामने। ऊपर ही एक ऐसे स्क्रोल बार टाइप का ऐसा बना होगा, आपने उस पर क्लिक करना है आपके होम पेज के स्टार्ट पे। जैसे ओपन करेंगे आप ये वेबसाइट, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, तो उसके नीचे लिखा होगा अदर्स, आपने उस अदर्स पे क्लिक करना है। तो जैसे अदर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट पे शो हो जाएगा बेस्ट वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर एंड हाउ एडिट वीडियो फॉर यूट्यूब, फॉर अपने फन के लिए आप इसको करना चाह रहे हैं या कोई भी है तो डाउनलोड भी आप इसमें कर सकते हैं, तो आपने इसमें क्लिक करना है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। इस टाइप का जो आपका जो है मेन उसका डैशबोर्ड होगा सामने से, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे की फीचर इसके बारे में बताएंगे, कुछ भी आपने करना सिंपल इस पे डाउनलोड नाउ पे, डाउनलोड नाउ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है कंप्यूटर के लिए है, ना कि मोबाइल के लिए है। आप इसको लैपटॉप में, कंप्यूटर में या पीसी में कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सेलफोन में आप नहीं यूज कर सकते। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ये जो फोल्डर होगा वो इस टाइप का होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा हुआ है MTCA 9 के नाम से होगा, इस तरह जिप फाइल होगी, आपने इसको ओपन कर लेना। तो ये इसको एक्सट्रैक्ट करके ले आपने इस पे क्लिक करना है ऐसे, तो एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर लेना। आपने इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का फोल्डर ओपन होकर आ जाएगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है। ये दो चीजें होगी, आपने करना है इसको पहले इंस्टॉल कर लेना है, और ये जो है इसके अंदर की है इसकी, ये की आपके पास तब यूज होगी जब आप 1 मंथ से ज्यादा इसको यूज कर लेंगे, मतलब 1 मंथ जब हो जाएगा इंस्टॉल करने के बाद, तो आप इसको की को अपने पास रख लीजिएगा संभाल के। आपने इसको ओपन कीजिएगा ऐसे, तो ये इसकी की है ये वाली। तो आपने क्या करना है कि जब 1 मंथ हो जाएगा ना, तो ये और जैसे ही आप इसको ओपन किया करेंगे तो ये ओपन ही हुआ करेगा, ये कहेगा जी पहले मुझे की लगाए फिर मैं ओपन आगे चलूंगा, नहीं तो आपकी जो वीडियो है उसके नीचे मेरा लोगो आया करेगा MTCA का। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने नेट को बंद बंद कर लेना है यहाँ से। नेट को बंद करने के बाद आपने दोबारा ओपन करना है इसको, इसको नहीं जो इंस्टॉल कर लेंगे आप, जो इंस्टॉल किया हुआ है ये वाला, ये आप जब इसे इंस्टॉल कर लेंगे, मैं यहीं से बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको 1 मंथ जब हो जाए आपको, तो आपने उसके बाद ये कहेगा जी पहले मुझे ओपन करें, पहले मुझे रजिस्टर करें आप की लगा के, फिर मैं चलूंगा आगे, नहीं तो नहीं 1 मंथ के बाद। तो पहले तो आप इसको यूज कर सकते हैं, वो बताता भी रहेगा आपको कि आज इतने दिन रह गए, बाकी इतने दिन रह गए। जब आप इसको 1 मंथ हो जाएगा, जब वो कहेगा जी नहीं आज जी पहले मुझे आप की लगाए फिर ही ओपन होगा, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इंटरनेट आपने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपने क्या करना है, जो की जो मैंने आपको बताई है ये वाली, इसके अंदर जो की है वो की आपने वहां पे ओपन जैसे करेंगे ना इसको, तो सामने की पूछेगा, आपने वो की देनी है, उसके बाद ओके कर देना, वो थोड़ा सा टाइम लेगा रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आए आप इंटरनेट ओपन कर लें, जो भी करना चाहे कर सकते हैं।
ओपन करेंगे आप, जैसे ओपन करने के बाद ये इस टाइप का होगा। ये तीनों चीजें नहीं होंगी, ये तो मैंने अभी अपनी बना करके रखी हुई है जो मैं एडिट करता हूँ वीडियो वगैरह, तो ये तीन चीजें होंगी आपके पास। ऐसे ओपन होके आपके सामने आ जाएगा और ये तीन चीजें नहीं होंगी और ये इस टाइप का आपके सामने ओपन होगा। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर यहाँ से आपने प्लस पे क्लिक करना है और इम्पोर्ट मीडिया, इम्पोर्ट मीडिया में जाके आप कुछ भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज या ये सब्सक्राइबर का बटन या ये वीडियो जो भी है, वीडियो बनाने के लिए क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप की वीडियो का जो है ये शो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रेड कलर का आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है तो आपकी वीडियो बनना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं अभी बना भी रहा हूँ वीडियो आपके सामने, तो आपने क्या करना है, ये चीज जो है ना ऑडियो वाला, इसको आपने फुल कर देना है। ये हाफ पे होगा, आपने इसको खींच के यहाँ पे ले आना है, फुल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे तो वीडियो बनना शुरू हो जाएगी। तो बाकी मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जब आप इसको जो है टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जैसे ऑफ होगी ना, स्टॉप होगी आपकी, तो वीडियो बन के सीधी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ये आ गई यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को उठाना है, जो भी आपने वीडियो बनाई है उसको रख देना है यहाँ पे रख देना आपने। ये मेरी चीजें बनी बनाई वैसे मैंने रखी हुई है पहले, ये सब्सक्राइबर है, ये देखिए ऐसे मैंने जो आता है आपके सामने, ये चीज देख सकते हैं आप। तो इसी तरह ये वीडियो यहाँ पे आ जाती है। आपने इसको क्या करना है, यहाँ से माइनस से आपने इसको जो माइनस नेगेटिव आ रही है उसको आपने छोटा कर लेना साइज का, ताकि आपके लिए आसानी हो। इतना मैंने कर लिया, इसको चाहे मैं यहाँ से खत्म भी करना चाहूँ, मैं अभी खत्म कर देता हूँ ताकि आपको ये मसला ना हो, बल्कि रहे भी कोई इशू नहीं इसका। आपने इसको अभी इग्नोर करें, बस मैं आपको अभी वीडियो का बता रहा हूँ, ये तो बात की चीजें हैं। तो आपने ये देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे आकर रख दिया वीडियो, ये आप ऊपर भी रख सकते हैं, जहां मर्जी रख सकते हैं, रखना चाहें तो रख सकते हैं। आपने मैंने ये जो है आपकी आवाज है और ये आपकी वीडियो है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सबसे पहले वीडियो एडिट आपने कर लिया, वीडियो बना लिया, यहाँ पे आकर रख लिया आपने। आपने इसको क्या करना है, इसको मोर पे जाना है, यहाँ पे जाना है ऑडियो इफेक्ट पे और यहाँ पे जाना है नॉइज रिमूवल। आपने इसको उठा के इस ऑडियो पे आकर फेंक दिया। इसी हो गया, आवाज में आपकी जो भी कोई आवाज ऐसी कोई हो जाती है, ये आवाज आपकी क्लियर कर देगा कुछ भी। इसमें आवाज में कोई भी अगर आपकी मोटी है या कैसी भी आवाज है, कोई शोर आ रहा है कुछ है, तो इसको क्लियर कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं, खुद भी अपनी मर्जी से जितना ज्यादा कम ज्यादा करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना है वॉल्यूम लेवलिंग, आपने इसको भी उठाना है और इस पे आके फेंक देना है, और इसको यहाँ से पकड़ के आपने इसको ऊपर ले जाना है, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आई है तो यहाँ से आपने मीडियम से हाई कर देना है इसको। ये आवाज तेज हो गई है, मतलब अगर आपने थोड़ा आराम से बोलते हैं, आवाज ज्यादा नहीं है, तो यहाँ से आप इसको आवाज तेज कर दें ताकि आवाज आपकी तेज सामने शो हो, सुनाई तेज सामने तेज आवाज। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये चीज हो गया, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है कर्सर इफेक्ट पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोर पे क्लिक किया, यहाँ पे कर्सर जो था इफेक्ट उस पर क्लिक किया, तो ये चीज आ गई यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कर्सर है वो इस तरह का हो, कि जूमरा टाइप का हो या येलो टाइप का हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा जूमरा शो, इसको उठाना मैंने वीडियो पे आकर फेंक देना, इस वीडियो पे आके मैंने फेंका और इसका मैंने करना है साइज यहाँ से कम। देख यहाँ पे जिस तरह फेंकेंगे यहाँ पे शो भी हो जाएगा, तो इसका साइज मैं कर देता हूँ छोटा, देखा साइज भी छोटा हो गया इसका। और इसके बाद इसको मैं खींच के यहाँ से बड़ा भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये मेरा सब्सक्राइबर का था, मैंने ऊपर बटन रखा हुआ, ये इमेज है, ये अब यूट्यूब से और गूगल से उठा ले इमेज सब्सक्राइबर की, उठा के यहाँ से आपने जाना है मीडिया में, यहाँ पे इम्पोर्ट मीडिया में जाके यहाँ पे आगे इम्पोर्ट कर लेना। तो मैंने ये उठाया हुआ था, मैं इसको इसको जरा खींचता हूँ, वीडियो की लेंथ तक लेके जाना ताकि पूरी वीडियो तक चले ये, और ये जरा कम है इसमें, मैं भी चाहता हूँ कि ये एक्स्ट्रा हो जाए। एक और मैं इसको लेके आना चाह रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा और एक एक्स्ट्रा कर दूँ, कॉपी किया पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी और कंट्रोल सी किया, फिर कंट्रोल वी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इस तरह। अब ये चीजें तो हम बात की हैं, आप जैसे जैसे आप सोचे, आप अगर न्यू हैं तो आपको सिंपल क्या करना होगा, अभी आप यहाँ पे जाए, ये दो चीजें रख लें यहाँ पे, उसके बाद सब्सक्राइबर का जो बटन है गूगल से डाउनलोड कर लें, वहां से यहाँ पे आप डाल लेंगे यहाँ। तो अब आपने जब डाल लिया, अब ये देखिए यहाँ पे ये हेलो फ्रेंड्स, जो सो अगर यहाँ एकदम पे आज मैं इसकी आपसे न्यू हूँ। आवाज ज्यादा है, अभी मैं आवाज कम करना चाह रहा हूँ, यहाँ से करके मैं कम करता हूँ।
इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा प्रवाल हूँ मैंने वहां से जो बंद कर काफी दी। ये लोग देखिए ये ऐसे जो कमेंट्स हिटलर भी कर है रहे थे, और काफी और लोग पूछते भी हैं असिस्टेंट कि है बबल हमें टाइप सीवी का रैम बनानी नहीं मूविंग हो रहा है आती इस है, टाइप हम का, सीवी कैसे तो मुझे बनाएं ये या जो स्ट्रैंडिंग जो लगा रहा है। सीवी का जो तो टेम्पलेट है ये ये फॉर्म में रखा अगर जाए, आप चाहते हैं कि जो ये भी हमारा करे हमारा इस तरह का रिजेक्ट किस ना तरह हो होगा, हमें तो ये इंटरव्यू के लिए वो बिल्कुल बुलाया नहीं आपने यहाँ जाएगा। पे आना है लेकिन क्योंकि बिहेवियर काफी में, सारी ऐसी गर्ल्स ज्यादातर यहाँ पे ऐसी आने के हैं बाद कि आपने ये जो जिन्हें सीवी नहीं फेंका बनानी ये आ वाला रही होती या वो बना नहीं सकती, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं जो होते। बटन फेंका था यहाँ पे, इस और इसके बटन पे अलावा आपने वो क्या करना है, कहा आज से जाए कि गूगल से आप यहाँ वो से कोई भी फॉर्म इफेक्ट उठा उठाना लें, है। मैंने जो तो उठाया हुआ था काफी ये लोग वाला कहते जो हैं कि ये गूगल पे वाला काफी था, सारे फॉर्मेट्स ये मैं इंग्लिश में ऐसे उठाऊंगा, पड़े हुए हैं, इस वीडियो फॉर्मेट में वहां बना से आप लेता उठा। हूँ। ये मैंने उठाया हुआ था, मैंने इसको उठा के यहाँ पे आके इसके ऊपर फेंक दिया था। ये तो लग नहीं रहा क्योंकि पहले ये मैंने क्या कहते हैं इस पे पहले लगाया हुआ है, तो इस तरह इस पे आप लगाएंगे तो इस तरह ये भी हफ्ते करना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा ये तरीका है, बाकी अगर कोई मसला आ रहा है तो पूछ सकते हैं वीडियो नीचे कमेंट करके। अब ये चीज यहाँ पे होंगे मेन चीजें यही होती हैं, यूट्यूब अगर आप गूगल पे डालना चाहें, यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं अगर खुद भी एडिट करना चाह, बाकी इसके अंदर रोटेशन भी है, ये जैसे जैसे रोटेट होता है किसी भी उसको उठाएं यहाँ पे आगे फेंक दें वीडियो रोटेट होना शुरू हो जाएगी, और इसकी तरह एनोटेशन है ये आप यहाँ पे लगाना चाहे पकड़ के, यहाँ पे मैं उठा के यहाँ पे ले आऊंगा और इस पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे शो हो जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करें, इस तरह का कुछ भी लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। और ये जो आप जो भी यहाँ पे शो करेंगे यहाँ पे भी नीचे आ रहा होगा, इसको आपसे अपनी मर्जी से कहीं से भी सेटिंग करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा जो मेन चीज वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो इतनी वीडियो है ना ये वाला जो चीज है ये मैं चाहता हूँ कि ये इसे जैसा कि ये है इतनी वीडियो आवाज, मैं चाहता हूँ कि इतनी आवाज जो है इससे आगे ये एक्स्ट्रा फजूल है ये मैं नहीं डालना चाह रहा, तो मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूंगा इसको पकड़ के लेके आऊंगा यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे ले आया, ले आया यहाँ पे और इस पे मैंने क्लिक किया ठीक है, और उसके बाद मैं क्या किया मैंने यहाँ पे आ रहा है ये देखिए कट स्प्लिट आ रहा है, इसका मतलब वही है कट, मैंने इस पे क्लिक किया और देखें जितना हिस्सा वहां से कट गया, और यहाँ से देखें कि ये चीज अलग भी हो सकती है यहाँ से इतनी कट गया। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल डी या डी जो डिलीट का बटन आया ऊपर आ रहा कीबोर्ड पे आपके, उस डिलीट के बटन में मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक करके वो डिलीट हो गया, जैसे मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ ये डिलीट किया हुआ खत्म हो गया, इस तरह कंट्रोल जेड करके मैं इसको वापस भी लेके आ सकता हूँ और वापस भी यहाँ पे ऐसा ठीक भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह आप कहीं से भी वीडियो को यहाँ से भी स्प्लिट करते हैं और यहाँ से भी स्प्लिट करके सेंटर से ऊपर हिसाब डिलीट करते हैं, तो ये सिंपल सा तरीका है। और उसके बाद क्या करना है जब वीडियो आपकी बन जाए आपको लगे सही है आप यहाँ से प्ले करके देख भी सकते हैं, उसके बाद क्या करना है आपने शेयर पे आना है, शेयर पे आने पर लोकल फाइल्स यहाँ पे क्लिक करना है। अभी ये देखिए वो कह रहे हैं कि नहीं जी आपकी ये नहीं हो सकती क्योंकि आपने नेट ऑन किया हुआ और ये आगे ओपन नहीं हो सकती, मतलब ये डाउनलोड नहीं हो सकती क्योंकि नेट ओपन है ये रजिस्टर है वो, उसने उसी टाइम नेट ऑन था उसने उसी टाइम बता दिया कि ये फेक की लगाई हुई है। तो क्या करना है उससे पहले आपने इसको सेव करके रख लिया अपने पास, आपने इंटरनेट बंद कर देना है, इंटरनेट बंद करके आपने दोबारा इसको ओपन करेंगे तो ये डिस्कार्ड पे क्लिक नहीं करना ओपन पे ही क्लिक करना है, ओपन करेंगे आपके सामने ऐसे आ जाएगा, आपने इसको दोबारा ओपन कर लेना है और उसके बाद क्या करना है दोबारा शेयर के यहाँ पे बटन पे जाना है, लोकल पे जाकर क्लिक करना है, उसके बाद पूछेगा थर्ड नंबर पे आ रहा होगा 720, 720 में वीडियो आपने डाउनलोड करनी है MP4 720 ऐसे लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और आपने अपनी लोकेशन बतानी है और नाम देना है उस वीडियो को जो भी देना चाह रहे हैं, उसके बाद ओके कर दीजिएगा तो आपकी वीडियो वो रेंडरिंग होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद बन के आपके डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है वीडियो में डॉक्यूमेंट के फोल्डर में एक MTCA का फोल्डर वहां पे आ चुका होगा, उसके अंदर आपकी ये वीडियो पड़ी होगी उसी फोल्डर के नाम से जो आपने नाम दिया था। तो सिंपल सा तरीका है, अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो पूछ सकते हैं, ये असल में थोड़ा सा मुश्किल यही है इसमें कि आपने इसको नेट ऑन करना है फिर की लगाना या बंद करना यही मुश्किल, लेकिन बाकी सब कुछ इसमें इजी है, बाकी जितने भी वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर पड़े हैं आपके नेट पे वो सारे मुश्किल है, एक तो वो उनकी रैम ज्यादा चाहिए उनका वो चाहिए वो इतना मुश्किल है, उनका सिस्टम भी मुश्किल है और क्या कुछ के लिए लगाना पड़ता है और वो लेंथी टाइप है, ये सिंपल सा आसान सा है, आप सिंपल इसको एक दफा यूज करना शुरू हो जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और यही अच्छा है सबसे, और सब 90% यूट्यूबर यही यूज करते हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।